हेलो गाइस, वेलकम टू स्टमिक वाइब। आज के इस वीडियो में हम लोग डिवाइन का जो नया गाना है गुनेगार, उसको हम लोग डिकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। एंड उसका जो भी सैम्पल पैक्स यूज किया है एंड जो VST इसका है वो फ्री है। एंड मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो सीधा टाइम नहीं वेस्ट करके सीधा प्रोजेक्ट में चल। और अगर तुम लोग नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर से करना। गाना जैसे तुम लोगों को सुना, अगर नहीं होगा तो अभी जाके सुन लो। इस गाने का नाम है गुनेगार एंड इसको प्रोड्यूस किया है हिट बॉय, जो कि बाहर का प्रोड्यूसर है। बहुत सारे बाहर के आर्टिस्ट के लिए दिया है एंड बहुत सारा हिट सॉन्ग भी है। तो गाने के अगर स्टार्टिंग में तुम लोग सुनोगे तो वहाँ पे लाइक स्ट्रिंग्स चल रहा है। तो स्ट्रिंग्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लैब्स यूज किया है, जो कि फ्री VST है। इसका लिंक मैं नीचे डालूंगा, देख लेना। तो इसमें तो मैंने ये वाला प्रीसेट यूज किया है। तो हम लोग यहाँ पे 7th कॉर्ड यूज किया है। एंड 7th कॉर्ड अगर तुम लोग को नहीं पता तो नॉर्मल जो हम लोग का कॉर्ड होता है माइनर कॉर्ड, उसके ऊपर 2 नोट छोड़ के 1 नोट ले लोगे तो 7th कॉर्ड हो जाता है। एंड उसके ऊपर मैंने फिर से जो रूट नोट है वो फिर से यूज किया। तो यहाँ पे कॉर्ड है G#, देन है D शार्प है, देन है यहाँ पे C#। तो है ये सब माइनर कॉर्ड्स है और ये रिपीट हुआ है यहाँ पे। देन और एक स्ट्रिंग्स से मैंने यहाँ पे लेयर किया है स्टार्टिंग का, वो थोड़ा शैलो टाइप का, मतलब धीरे धीरे इन होता है ऐसे। ऐसा टाइप का एक लेयर है और एक जो स्टार्टिंग ऊपर का लेयर है वो थोड़ा लाइक स्टार्टिंग में, मतलब थोड़ा ट्रांजिएंट है, इनिशियल अटैक है थोड़ा। दोनों स्ट्रिंग्स यहाँ पे बहुत ही बढ़िया साउंड कर रहा है एक साथ। स्टार्टिंग में जो क्राउड नॉइज है वो भी मैंने यूज किया है। तो ये हो गया हम लोग का बेसिक जो इंट्रो का स्टेप है। देन मेन आता है, जो हम लोग का टॉपिंग वाला पार्ट आता है वो है मेन, इस ओल्ड स्कूल बूम टाइप का जो बीट है उस पे। तो फर्स्ट स्ट्रिंग जो है, फर्स्ट स्ट्रिंग का फर्स्ट नोट मैंने रिकॉर्ड किया है यहाँ पे। तो ये फर्स्ट नोट रिकॉर्ड किया है, देन उसको मैंने ऐसे चॉप करके, बीच में से ऐसे चॉप करके 3 नोट में यहाँ पे कर दिया, जैसे ऐसा हो गया। एंड ये कंटिन्यू चलता रहेगा पूरा ट्रैक में। देन ये सेम चीज ही मैंने स्वेल जो है उस पर भी किया है। देन एक पियानो का लेयर भी लिया था और पैन किया हुआ है, इधर उधर पैन किया और लेफ्ट राइट पैन किया हुआ। ये पियानो का लेयर है। देन एक सैंपल है, सैंपल का मैंने यहाँ पे सेम जो रिदम है उस सेम रिदम में मैंने यहाँ पे तो उसको मैंने वही चॉप चॉप कर दिया है। यहाँ पे सैंपल यूज कर किया और यहाँ पे नॉर्मली मैनुअली कट करके किया। देन ये पूरा चॉपिंग सीन है। देन लास्टली यहाँ पे क्राउड नॉइस को भी सेम टाइप का चॉप किया हुआ है, सेम टाइप का चॉप है। तो ये चॉपिंग वाला पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। तो ये जितना भी चॉपिंग है उसको मैंने एक ट्रैक में रिकॉर्ड कर लिया है। तो रिकॉर्ड करने के बाद एक पिच चेंज वाला जो इफेक्ट है ओरिजिनल गाने में वो यहाँ पे मैंने बनाया है। तो उसका जो फर्स्ट नोट है, ये जो सैंपल चल रहा था उसका जो फर्स्ट नोट है, तो मैंने कट करके इसको एक एक सेमीटोन अप कर दिया, जैसे कि ये एक सेमीटोन अप हो गया। देन नेक्स्ट वाला ऑडियो ये भी मतलब और एक सेमीटोन, मतलब 2, 1, 2, 3, 3, 4 सेमीटोन अप हो गया। तो यहाँ पे ये वाला साउंड इफेक्ट हम लोग का आ गया। तो ये साउंड इफेक्ट हम लोग का आ गया। तो ये ऑलमोस्ट डन है लुक, और कुछ लुक में नहीं, अभी ड्रम और बेस बाकी है। बेस का जो रिदम चल रहा है वही सेम रिदम में हम लोग का बेस चल रहा है, और बेस G# में ही है, रूट नोट है उस पे ही चल रहा है बेस। तो बेस भी नॉर्मली एकदम बेसिक सा बेस है। थोड़ा बहुत मैंने डिजाइन किया है यहाँ पे, इसका जो स्टॉक वो प्लगइन आता है उसमें से मैंने थोड़ा बहुत डिजाइन किया है। सेम रिदम है एंड थोड़ा सैचुरेशन दिया हुआ है। देन हम लोग आता है ड्रम्स, जो कि एक फ्री पैक मैंने यूज किया, उसका लिंक भी नीचे डाल दूंगा, देख लेना तुम। बूम बैप का मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है कुछ दिन पहले, 3 टाइप ऑफ हिप हॉप बीट बोल के ऐसा कुछ होगा, मैं आई बटन में डाल दूंगा, देख लेना। तो उसमें बूम बैप बीट कैसे बनाते हैं उसमें मैंने आराम से एकदम दिखाया, वो देख लेना। सेम प्रोसेस है। सैंपल क्या यूज किया या साउंड क्या यूज किया वो मेन है, वो थोड़ा देखो किक का साउंड कैसा है, सकते हो एकदम भाई ओल्ड स्कूल बूम बैप टाइप। देन स्नेयर का साउंड ऐसा है, सेम स्नेयर का ये साउंड है। ये लाता है हम लोग का हाई-हैट का साउंड कुछ सेम। वो जो वीडियो बनाया था वो वीडियो जाके देख लो, तो बूम बैप बीट कैसे बनाया वो एकदम इजीली तुम लोग समझ जाओगे। उसके बाद थोड़ा बहुत ओपन हैट और क्रैशेस का वो है, थोड़ा बहुत लेयर किया है यहाँ पे, लेयर नहीं बीच बीच में वही ईयर कैंडी टाइप का यूज करने के लिए। ये लास्ट 4 बार के लास्ट में जाके एक बार एक ओपन हैट आएगा एंड हर मतलब 8 बार के स्टार्टिंग में एक क्रैश आएगा। एंड इसका जो कोरस पार्ट है वहां पे जाके एक ओपन हैट का एक सेक्शन आता है, जहाँ पे ओपन हैट प्ले होता है लेफ्ट राइट पैन करते हुए। तो ये इफेक्ट लाने के लिए तो एक ही ओपन हैट का सैंपल लो, देन उसका जो सेफ वाला है उसको नॉर्मल मान सकते हो, नॉर्मल रख सकते हो,
उसका अगर राइट वाला जो होगा, राइट वाले को थोड़ा एक दो सेमीटोन या तीन सेमीटोन ऊपर कर सकते हो तो वो ओपन वाला इफेक्ट आएगा। जैसे कि यही था जितना भी इंस्ट्रूमेंट एंड जितना भी ड्रम्स, तो भी सुनते हैं एंड वीडियो कैसा लगा बताना, तो सुनते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।